भक्त मंडली ये तो पूछ रही है कि किसान आंदोलन में यूपी बिहार के किसान क्यों नहीं, लेकिन ये नहीं बता रही कि यूपी बिहार में धान 1000 से 1100 रुपए प्रति क्विंटल क्यों बिक रहा है। आखिर यूपी में हर खरीद केंद्र पर एक दिन में 2 किसानों से ही खरीद क्यों हो रही है? आज नहीं कल आना कहकर क्यों भगाया जा रहा है? लक्ष्य के 50% कम खरीद क्यों हुई अभी तक? क्या बाद में पूंजीपतियों से खरीदने की प्लानिंग है? मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून को लेकर विरोध जारी है। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं तो सरकार अपनी ढिठाई पर। इसी बीच आज हम आपको यूपी के उन बदहाल किसानों का हाल बताएंगे जिनको भक्त मंडली संपन्न और देश प्रेमी बताने के लिए जी जान से लगी है। मामला धान की खरीद से है। योगी आदित्यनाथ जी ने 2 महीने पहले कहा था कि प्रदेश में किसी भी किसान को MSP से कम मूल्य पर अपनी कृषि उत्पादन नहीं बेचना है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने ये फ्लो में बोल दिया है, क्योंकि सच्चाई तो इसके ठीक उलट है। आंकड़ों से समझिए, यूपी सरकार ने इस साल 55 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था। खरीद शुरू हुई, 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन अभी तक 28.39 लाख टन यानी 50% धान की ही खरीद हुई है। सरकारी रेट पर धान बेचने के लिए किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी करीब 5.5 लाख किसानों से खरीद नहीं हुई। खरीद की रफ्तार इतनी धीमी है कि एक दिन में केंद्र पर 2 से ज्यादा किसानों से खरीद ही नहीं हो पा रही है। एक फायर ब्रांड मुख्यमंत्री के राज में इतनी धीमी खरीद पचती नहीं है। सरकार ने धान का सरकारी भाव 1868 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन खुले बाजार में ये 1000 से लेकर 1100 प्रति क्विंटल बिक रहा है। क्यों ऐसा? किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किया जा रहा है? असल में सरकार इस लूट को ही कानूनी जामा पहनाने में जुटी है। सीधी और सरल बात है कि सरकार का ध्यान किसानों की उपज बढ़ाना या उचित मूल्य दिलवाना नहीं है, बल्कि उसकी चिंता तो ये है कैसे खेती को निजी सेक्टर को सौंप दिया जाए। सत्ता पक्ष का ही नहीं बल्कि विपक्ष के भी किसी नेता ने ये सवाल नहीं उठाया है, आखिर यूपी में धान 1000 रुपए प्रति क्विंटल क्यों बिक रहा है? आप माने या ना माने, सरकार की मंशा साफ है कि किसी तरह से खेत को भी पूंजीपतियों को सौंप दिया जाए। हाँ, वही पूंजीपति जो देश की ऐसी तैसी करके विदेश भाग गए हैं, जिनके हाथों मोदी सरकार ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व सरकारी कंपनियां बेची हैं। किसानों की चिंता होती तो फसलों की उपज को बेचने की सुलभ व्यवस्था करते, उचित मूल्य दिलवाते, खेती में घाटा कम करने के लिए काम करते, लेकिन यहाँ तो नया कानून बनाकर किसानों की ही मुसीबत बढ़ा दी है। उपज को बेचने की उचित व्यवस्था करने के बजाय पूंजीपतियों के हाथ बेचने का नया कानून ही बना डाला। सवाल आज भी वही है, कानून अच्छा है तो उसमें संशोधन क्यों कर रहे हो? अगर कानून खराब है तो उसे वापस क्यों नहीं ले रहे हो? आज के लिए बस इतना ही। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।